नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूँ। दिल्ली के गाजीपुर में 10 साल की एक बच्ची से रेप को लेकर लोगों में विरोध है। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ने इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाला। दिल्ली बीजेपी ने इस मामले में आरोपियों को सजा देने की मांग की है। 21 अप्रैल को पीड़ित बच्ची कुछ सामान खरीदने के लिए घर से बाहर निकली थी, लेकिन कई घंटों बाद भी जब वो नहीं लौटी तो परिवार के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। छानबीन के बाद पुलिस ने एक दिन बाद बच्ची को गाजियाबाद के एक मदरसे से बरामद किया। नाबालिग लड़के को तो जुवेनाइल होम भेज दिया गया है, लेकिन मौलाना और दूसरे व्यक्ति को छोड़ दिया गया। इसके बाद पीड़ित के पिता का आरोप है कि पुलिस ने सही कार्रवाई नहीं की और मदरसे के संचालक को छोड़ दिया, जिसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। ये देश की एक और बच्ची के न्याय की आवाज के लिए निकला गुस्सा है। उनको कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए और बीच चौराहे पे हो। दिल्ली में 10 साल की बच्ची से रेप पर प्रदर्शन। हमारी मांग है कल्प्रिट को पकड़ा जाए और कल्प्रिट को हैंग किया जाए। गाजियाबाद के मदरसे में रेप का आरोप। गृह मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं कि आप इसको सीबीआई में ट्रांसफर करवाइए और इसको फांसी लगवाइए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 10 साल की नाबालिग बच्ची से रेप के खिलाफ लोग सड़क पर हैं। देर रात हाथों में मोमबत्ती लिए लोग इंसाफ की मांग को लेकर इंडिया गेट पर जमा हुए। हाथों में बैनर लिए सभी की एक ही मांग है कि जिस मदरसे में बच्ची का रेप हुआ उसके संचालक मौलाना को गिरफ्तार किया जाए। मौलाना के ऊपर अभी तक पुलिस ने कोई धारा कोई चार्ज नहीं लगाया और उसको अरेस्ट करके लाए थे और उसके अलावा 3 को और लाए थे। उनको कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए और बीच चौराहे पे हो, उनको जलाया जाए, फांसी की सजा साथ में और जला के फांसी दी जाए। 21 अप्रैल को दिन के तकरीबन 1 बजे 10 साल की बच्ची कुछ सामान खरीदने के बहाने घर से बाहर निकली और वापस नहीं लौटी। घर में सिर्फ बच्ची और उसका छोटा भाई था। माता पिता दोनों दफ्तर गए थे। बच्ची 1 घंटे तक वापस घर नहीं लौटी तो छोटे भाई ने पिता को फोन किया। पिता ने तुरंत 100 नंबर पर फोन कर बच्ची के लापता होने की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की। 1:45 के बीच में मैंने उसके मोबाइल रिचार्ज कराया तो मैंने उसको फ़ोन किया, बेटा मैंने मोबाइल तुम्हारा रिचार्ज करा दिया हूँ। तो बोली ठीक है पापा, मैं नीचे जा रही हूँ भैया के लिए और बेटी के लिए, अब अपने चीज़ लेने भैया के लिए। बेटे और नीचे रहती थी, एक आंटी रहती थी, उनके मोबाइल से रोते हुए फ़ोन किया, बेटा क्यों रो रहे हो? बोला कि दीदी गई है चीज़ लाने, अभी वापस नहीं आई है। दिल्ली पुलिस ने किडनैपिंग का केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। अगले दिन उसके कॉल डिटेल्स देखे तो उसकी बात किसी लड़के से हुई थी। पुलिस ने शुरुआती जांच में लड़की को सीसीटीवी में घर के पास देखा। मोबाइल की लोकेशन गाजियाबाद में मिली, वहां मदरसे से लड़की को बरामद किया गया। पुलिस ने मौके से एक नाबालिग, एक मौलाना और साथ में एक और व्यक्ति को हिरासत में लिया। नाबालिग लड़के को तो जुवेनाइल होम भेज दिया गया, लेकिन मौलाना और उसके दोस्त को छोड़ दिया गया। मुझे बताया कि ये बेटी वहां मदरसे में मिली, वहाँ मदरसे वहाँ पे मस्जिद भी है, उसी में मदरसा चलता है, तो उस मदरसे से उन्होंने मेरी बेटी को ले आए, मौलवी को भी ले आए, उनको और दोनों को ले आए। जब ज़्यादा प्रेशर किया, जब डाली पुलिस ने, तब उसने कबूल किया। करीब इस घटना को होते होते करीब 7 बज गए 7 के आसपास। इस बीच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने गाजियाबाद के मदरसे में तफ्तीश की। क्राइम ब्रांच के डीसीपी और अफसरों की टीम मदरसा पहुंची और मौलवी से पूछताछ की गई। जो आगे की कार्रवाई होगी, अगर वो बालिग निकलता है तो फिर बालिग कितने अप्लाई होगा, रेप और पॉक्सो एक्ट के केसेस इसमें लागू कर दिए। जो लड़का है वो वहीं मदरसे में ही रह के अपनी जो पढ़ाई लिखाई कर रहा था और वहीं एक दिन के लिए वहीं पर रखा था। बच्ची के पिता का आरोप है कि उसकी बेटी का काफी समय से पीछा किया जा रहा था और उन्होंने कुछ वक्त पहले घर बदला था, लेकिन आरोपी वहां भी पहुंच गए। बच्ची के पिता के मुताबिक ये वारदात किसी बड़ी साजिश के तहत की गई है। जो मौलवी है मेरे, जहां मैं पहले रहता था उसी गली में 2-3 मकान छोड़ के वहीं पे रहता था। वो मेरी हर एक्टिविटीज में, इससे मुझे भी क्योंकि उसका वहाँ पे बरामद हुई है, वो मेरी एक्टिविटी की कब जाते हैं ये, कब आते हैं इनकी वाइफ, कब जाती है कब आते हैं, सारी एक्टिविटी मेरी उसने रेगी की। आगे हमारी यही मांग है कि
जो इस इनमें इन्वॉल्व हैं जितने भी लोग हों, मौलवी तो उसमें इन्वॉल्व ही है प्लस और भी जो इन्वॉल्व हो, क्राइम ब्रांच को इसकी गहराई तक जाके जांच करके उसको फांसी की सजा लटक पहुंचाया जाए। बुधवार को इस मामले को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष एवं सांसद मनोज तिवारी और इलाके के स्थानीय सांसद महेश गिरी ने पीड़ित के घर जाकर मुलाकात की। मनोज तिवारी ने दोषियों को सरेआम फांसी पर लटकाने की मांग की तो पूर्वी दिल्ली के सांसद महेश गिरी ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। इनके अनुसार मौलवी की ही भूमिका है, वो सारे घटना का जो साजिश करने वाला है वो मौलवी ही है और कॉन्स्पिरेसी है उसमें। और यही नहीं, आपको बताऊं, परिवार बता रहे हैं कि वहाँ की कई बच्चियाँ ऐसे केस में गायब भी हो गई हैं और मैं समझता हूँ ये सीबीआई को जाने लायक घटना है। हमारी मांग है कल्प्रिट को पकड़ा जाए और कल्प्रिट को हैंग किया जाए। गृह मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूँ कि आप इसको सीबीआई में ट्रांसफर करवाइए और इसको फांसी लगवाइए पॉस्को एक्ट के तहत। आगे कहूंगा कि हमारी भी बच्चियां हैं सबकी, हम सबको अब आगे आना चाहिए ऐसे दरिंदों को सबक सिखाने के लिए। चुप रह करके नहीं होगा, हमें दरिंदों को सबक दिखाने के लिए लोगों को समझाना चाहिए और इनको फांसी पे लटकाना चाहिए। इस मामले पर लोगों का आक्रोश कम नहीं हो रहा है। गुस्साए लोगों ने गाजियाबाद को कुछ देर के लिए जाम लगा दिया। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने इतने बड़े अपराध में सिर्फ एक नाबालिग को पकड़ा और जिस मदरसे में वारदात हुई वहां के मौलाना को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। नीरज गौड़, प्रमोद शर्मा के साथ राजूराज, जी मीडिया, दिल्ली। और नीरज गौड़ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और अपडेट देने के लिए। नीरज, ये बताइए कि मामला अभी तक कहां पहुंचा? एक मौलाना, एक और शख्स और एक नाबालिग, तीनों का क्या क्या रोल था, क्या ये एस्टैब्लिश हो गया है? जी बिल्कुल नजीता, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से पहले इस मामले की जांच लोकल पुलिस कर रही थी उसके बाद में अब इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। क्राइम ब्रांच जो कि मदरसा है वहां पर पहुंची थी, वहां पर उन्होंने पूरी तरीके से जांच की कि आखिरकार जब बच्ची को यहां पर लाया गया था तो किन किन लोगों को पता चला था, जब बच्ची को यहां पर लाया गया था तो किन किन लोगों को पता नहीं चल पाया था, कैसे बच्ची को रखा गया था, क्योंकि बच्ची बताया जा रहा है मदरसे के सेकेंड फ्लोर पर थी, वहां से बच्ची को बरामद किया गया था। लेकिन उसके बाद में जो कि लोकल पुलिस ने एक नाबालिग को अप्रिहेंड किया था, उसके बाद में उसे जुवेनाइल होम में भेज दिया। लेकिन इसी बीच में जो लोकल पुलिस थी उन्होंने इसके अलावा दो लोगों को डिटेन किया था जिसमें मौलवी और उसका एक साथी था, उससे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही थी, उसके बाद में उसे देर रात छोड़ दिया गया। उसके बाद जो केस था वो क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हो गया। लेकिन अभी हमारी कुछ अधिकारियों से बात हुई है, उनका कहना है कि वो इस पूरे मामले की जाँच कर रही है क्राइम ब्रांच और उसके बाद में इसमें जो जो लोग इसमें शामिल होंगे उन्हें पुलिस गिरफ्तार करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब इस बच्ची को उस मदरसे में लाया गया था तो उस वक्त क्या उस मौलवी को इस बारे में नहीं जानकारी थी? क्योंकि मौलवी पर जो आरोप लगे हैं, क्योंकि लगातार जब लोकल पुलिस ने उससे पूछा क्या तुम्हें इस बारे में जानकारी थी तो उसने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार दिया, उसके बाद में उसे देर रात छोड़ा गया। लेकिन अब दोबारा से जब यह मामला, क्या मौलवी को जानकारी थी कि नहीं, क्योंकि लोगों में गुस्सा है, लोग चाहते हैं कि इसकी जांच हो और जो भी आरोपी है उसको पकड़ा जाए, मौलवी को क्यों छोड़ दिया गया, इसको लेकर भी लोगों में गुस्सा है।